हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, इजंट इट? जैसे एक बीज को हेल्दी पौधा बनने के लिए हवा, पानी, धूप, छांव और देखभाल की ज़रूरत होती है, वैसे ही एजुकेशन इंसान के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है, व्हेन यू एजुकेट अ बॉय, यू एजुकेट अ बॉय, बट व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट जनरेशंस, इजंट इट? थिंक अबाउट इट। हेलो फ्रेंड्स, साधना गुरु के सेशन में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल एपिसोड्स लेके आऊँगी। बेसिक नॉलेज फॉर इंग्लिश फॉर यंग लर्नर्स, फॉर फ्रेशर्स, स्पेशली फॉर गृहलक्ष्मी, जो घर में जो महिलाएं रहती हैं और जिनको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का नॉलेज आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, इंग्लिश आना या ना आना किसी की समझदारी और विजडम का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, सही है ना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना गुरु। बेसिक इंग्लिश नॉलेज फॉर यंग लर्नर्स, ओके? सो जैसे एक घर को बनाने के लिए पिलर्स, फाउंडेशन मजबूत होना ज़रूरी है, वैसे ही एक लैंग्वेज को आने के लिए उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? यस, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक्स। साधना गुरु वेलकम्स यू ऑल। एक सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत होती है, वर्ड्स को बनाने के लिए अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है। अल्फ़ाबेट्स बनते हैं लेटर्स से, ओके? इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, सो हर अल्फ़ाबेट को लेटर कहा जाता है और अ सेट ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। A, B, C, D, these are letters. A to Z, these are alphabets. There are 26 alphabets in English. I, A, E, O, U, these are vowels. Except vowels, there are consonant, vyanjan. Vowels called swar. Practice this. English के 26 letters में A, E, I, O, U, इनको स्वर कहा जाता है, English में vowels कहा जाता है। और vowel के अलावा जो alphabets हैं उनको व्यंजन यानी कि consonant कहा जाता है। So, consonant और vowel को बोलने का तरीका अलग है, इसकी प्रैक्टिस आप मिरर में ज़रूर कीजिए। A, E, I, O, U, वोवल्स, ए ई आई ओ यू, इन्हें स्वर कहते हैं क्योंकि ये हम इनका उच्चारण हम गले से करते हैं, जिनको इंग्लिश में वोवल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स हैं एप्पल, आइस, आइसक्रीम, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला। इन वोवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे आर्टिकल ए एन लगता है, जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज। असतो मा सत गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ज्ञान वही जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, प्रकाश वही जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जीवन वही जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए। जीवन में हम जितना बांटेंगे उतना ही हमें ज़्यादा मिलेगा। खुशियाँ हो या गम, ज्ञान हो या प्रकाश, बांटने से ही बढ़ता है।